आज मैं एक ऐसा हेयर सीरम लेकर के आई हूँ जो बड़े बड़े ब्रांड्स के जो हेयर सीरम है वो आप भूल जाओगे। मुझे लगता है कि इसको बनाने के बाद आप कभी भी मार्केट का हेयर सीरम यूज नहीं करोगे। तो ये वीडियो आपके लिए, आज का वीडियो आप। हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। अगर फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन होगा, उसको भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के फायदे ये हैं कि मेरे जितने भी वीडियो हैं आपको सारे वीडियो मेरे दिखने शुरू हो जाएंगे, और जब भी बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करे तो ऑल के ऊपर क्लिक करे, उससे ये होगा कि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के टॉपिक की तो ये है हेयर सीरम। ये एक ऐसा हेयर सीरम है जो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, जो आपके बाल को कुछ देगा ही, यानी कि 100% देगा आपके बाल से को, आपके बाल से कुछ लेने वाला नहीं है। जैसे मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स के, जैसे लिवॉन हो गए और भी बहुत बहुत बड़े ब्रांड के, अगर आप प्रोडक्ट लेकर के आते हो, मान लो बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है लेकिन फिर भी उसके अंदर 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ले लेता है आपके बाल से। लेकिन ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है तो ये आपके बाल को 100% देने वाला है, कुछ लेने वाला नहीं है। ये काम क्या क्या करेगा, जैसे हम शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के बाद जो है ना हमारे बाल जो है बहुत ज्यादा रूखे और बेजान हो जाते हैं। कंडीशनर लगाने के बाद भी अगर आप शैम्पू करते हो, उसके बाद कंडीशनर लगाते हो, आप हेयर मास्क लगाते हो, अगर ये तीनों चीज करते हो तब आपके बाल जो है अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर आप शैम्पू कर लेते हो, कंडीशनर लगा लेते हो, हेयर मास्क नहीं लगाते हो, तो आपको लगता होगा आपके बाल थोड़े से रूखी बेजान से, या फिर बहुत को तो ये परेशानी होगी कि शैम्पू भी करते होंगे, हेयर मास्क भी लगाते होंगे, कंडीशनर भी सारे प्रोसेस करने के बाद भी उनके हेयर जो है बहुत रूखे बेजान, और दो मुहे बाल जो होते हैं नीचे जो स्प्लिटेंस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, दो मुहे बाल उनकी परेशानी उनको बहुत ज्यादा रहती है। तो क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के सीरम लेते हैं, लगाते हैं, तो भी ये परेशानी 100% दूर नहीं होती है। लेकिन ये सीरम जो है आपकी सारी परेशानी को दूर करने वाला है। कि आप देखोगे कि इसको लगाते कैसे हैं और इसको बनाते कैसे हैं, आगे चल के देखिए। लेकिन इसका कोई एज नहीं है, ये आज अपने आप अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को भी लगा सकते हैं, आप अपनी फैमिली में सबको लगा सकते हैं। तो आपको जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो है आपको एक कप आपको पानी लेना है, नॉर्मल टैप वाटर भी आप ले सकते हो, और आपको एक कप पानी लेना है। उसके बाद आपको गैस को ऑन करना है, उसके बाद आपको इसके अंदर डालना है ग्रीन टी, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो और कोई भी फ्लेवर ले सकते हो। तो एक आपको पूरा एक आपको सैसे जो है ग्रीन टी का आपको डाल देना है। आप चाहे तो दो भी डाल सकते हैं लेकिन एक ही काफ़ी होता है। मैं मोस्टली जब भी बनाती हूँ तो एक पैकेट ही ग्रीन टी का लेती हूँ। उसके बाद आपको लो फ्लेम में इसको पकाना है जब तक एक कप से हाफ कप पानी नहीं हो जाए, यानी कि आपने तो एक कप पानी डाला है, जब वो हाफ कप हो जाएगा तब तक आपको इसको आपको पकाना है, अच्छे से उबालना है आपको। जब ये उबल जाता है और आपको लगता है कि ये पानी जो है हाफ हो गया है, उसके बाद आपको गैस को जो है वो ऑफ कर देना है, फ्लेम आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद तब तक इसको ऑफ करने के बाद जब ये एकदम से ठंडा हो जाता है, उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। तो गैस को ऑफ कर दी हूँ, अब ये एकदम से ठंडा हो गया है। अब इसको छन्नी के हेल्प से जो है आपको इसके पानी को आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो इसके अंदर आपको ये देखिए हाफ कप पानी है, उसके बाद जो आपको इसके अंदर इंग्रेडिएंट मिलाना है वो विटामिन ई का जो है आपको कैप्सूल ऐड करना है। तो मैं एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो दो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आलमंड ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, या फिर नॉर्मल पैरासूट ऑयल हो, कोकोनट ऑयल जिसे कहते हैं वो, इन तीनों में से आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट होता है ऑलिव ऑयल या फिर आलमंड ऑयल। आपको ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है, इस बात को आपको एकदम से ध्यान लेना है। हाफ कप पानी अगर आपका है तो तकरीबन आपको 3-4 ड्रॉप, यानी कि सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप ही आपको ऑलिव ऑयल का लेना है, या फिर आलमंड ऑयल या पैरासूट ऑयल कोई भी हो, तो आपको 3-4 ड्रॉप ही लेना है। उसके बाद जो आपको इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल है, वो आप ले सकते हो, वो 2 स्पून आपको एलोवेरा जेल लेना है। उसके बाद आपको इन सबको एकदम अच्छे से मिक्स करना है, तब तक आपको मिक्स करना है जब तक वो एकदम से जो है मिक्स ना हो जाए अच्छे से। उसके बाद कोई भी स्प्रे बॉटल हो या फिर कोई भी शैम्पू आपके पास खाली बॉटल है तो उसके अंदर आपको उसको स्टोर करके रख देना है, और ये आपके सीरम बन के रेडी।
अब आपको इसको कैसे यूज करना है, इसको अपने स्कैल्प में नहीं लगाना है, आपको इसको अपने एंड्स पे लगाना है, अपने यानी कि बाल में जो आप देखते हो ना नीचे, ऐसे कैसे लिवॉन और बहुत बड़े बड़े ब्रांड के आप लेते हो हेयर सीरम, तो कैसे आपको बोलते हैं ना, यहाँ पे नहीं लगाना होता, आपको अपने बाल में लगाना होता है। ये क्या, अगर आपके बाल में स्प्लिट एंड्स है तो इन सब को भी, यानी कि जिसे दुमुहे बाल कहते हैं उन सबको भी ये ठीक करता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे लेना है और ऐसे स्प्रे करना है। ये देखिए, आप देख रहे हो, ये देखिए, बस ज्यादा स्प्रे नहीं करना है। कैसे लिवॉन लेते हो तो पाम में ऐसे लेते हो, पाम में लेते हो ना, ऐसे थोड़ा सा पाम में लेते हो, उसके बाद ऐसे करते हो और फिर क्या करते हो अपने बाल में, बस हल्का हल्का ऐसे ऐसे लगा लेते हो, ऐसे ही करते हो ना। बस आपको सेम इसको भी ऐसे करना है। ये नहीं कि भैया बस जैसे नहाते ना वैसे सार के नीचे गए और पूरा बहुत सारा लेना है, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा लेना है आपको, ऐसे अपने पाम में लेना है। स्प्रे हो या फिर दूसरा एक और जो आपको बॉटल देखी दिखलाई, बस ज्यादा नहीं लगाना है, जो आपके बाल जो एकदम शैम्पू करने के बाद जो एकदम एकदम रूखे रूखे से बेजान से ना, तो जो नॉट्स हो जाते हैं में वो भी नहीं होंगे इजीली। आप ऐसे आपके आपका जो हेयर ग्रोथ है वो भी अच्छा होने वाला है, प्लस क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट एकदम से आपके बाल वो जो होता है ना एकदम से ड्राई नहीं होने वाले हैं और आपके बाल जो है ऑयली भी नहीं होने वाले हैं, रिलैक्स रहे कि भैया कौन शैम्पू करेगा आपके सामने। ये देखिए, जैसे मैं ये ली अपने पाम में, ये ली हूँ, ये देखिए ये ली, ऐसे की कैसे लिवॉन वगैरह को आप कैसे कर दो, फिर बस हल्का सा ऐसे और इसको अपने पूरे बाल में इंड्स में आपको लगाना है, जो आपके दो मुहे बाल हैं वो भी आपके बाल जो है सो की एकदम से ठीक हो जाएंगे, प्लस जो आपके जो जो आपके जो बाल में शाइन नहीं है या फिर अगर आप शैम्पू करते हो तो आपके बाल बहुत ज्यादा से एकदम रूखे बेजान से जो हो जाते हैं ना, वो सब भी आपको नहीं होने। और सबसे बड़ा बहुत अच्छा है, सबसे खासियत इस हेयर सीरम की, अगर आपके लिवॉन अगर आपके फेस पे अगर गिर गया तो आप तुरंत बाथरूम में जाते हो, यार फेस पे आया तो कहीं मैं फेस को अपने वॉश कर लेती हूँ, लेकिन वो मार्केट वाला है, ये 100% ओरिजिनल है, ये है 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ हेयर सीरम। तो अगर ये गलती से अगर आपके फेस पे भी आ जाता है, जैसे कि ऐसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, डरने की क्या बात है जब छवि तेरे साथ है, जब छवि आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। ये अगर आपके फेस पे भी आ जाता है तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ग्रीन टी, जो बेस्ट स्किन टाइटनिंग और फाइन लाइन रिंकल्स को जो है कम करता है वो डाला हुआ है, एलोवेरा बेस्ट एंटी एजिंग, विटामिन ई के जो कैप्सूल है वो फाइन लाइन रिंकल्स और स्किन व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग में काम आता है, और उससे भी बड़ी बात इसके अंदर डाला हुआ है ऑलिव ऑयल, वो भी आपके स्किन के लिए जो होता है ना रामबाण होता है। तो ये ऐसा एक सीरम है जो आप एज अ हेयर सीरम और एज अ फेस टोनर भी आप यूज कर सकते हो, टेंशन की क्या बात है जब छवि आपके साथ है ना, तो ये बहुत बेहतरीन है। अब बात हो जाएगी कि इसको कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, आप आराम से फ्रिज के अंदर इसको 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब आपके पास का क्वेश्चन होगा, मैम मेरे पास फ्रिज नहीं है अब मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, अगर फ्रिज नहीं है तो भी आप रूम टेम्परेचर में एटलीस्ट इसको 3 से 4 दिन तक तो स्टोर करके रख ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बहुत बेहतरीन टोनर है, आप थोड़ा सा भी आपके बाल में जो है ना आपको ये नहीं लगने वाला है कि अरे मैं तो ये टोनर यूज किया, हाँ आपको थोड़ा भी ये नहीं लगने वाला है कि आपके बाल में आपने ये लगा लिया तो आपकी मेरा डिजाइन तो खराब नहीं हो जाएगा ना, कहाँ मैं लिवॉन यूज करती हूँ 250 या 350 रुपए का जो भी हो, मैं यूज नहीं करती हूँ लिवॉन, आप गोल्डी भी यूज नहीं करती, लेकिन आप सबको मेरे और गोल्डी के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, अंशु के भी थोड़े थोड़े लगते ही हैं, अंशु के एक्चुअली आता नहीं है और अंशु तो ये सब चीज यूज ही नहीं करता, मुझे पटकना पड़ता है कितना मैं रिक्वेस्ट की हूँ तो आज वो आया है ना। तो वही है, अगर आप चाहते हो कि आपके बाल मेरे और गोल्डी जैसे हो जाए, खूबसूरत से अच्छे से बाल हो जाए, शाइन हो जाए, तो मार्केट वाले लिवॉन क्यों लेना जब हमारे पास एक खुद का बना बनाया नेचुरल हेयर सीरम बहुत ही खूबसूरत और बहुत बेहतरीन। अब बनाने में मुझे लगता है इंग्रेडिएंट हमारे किचन में मोस्टली अवेलेबल है, ग्रीन टी अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक चीज मैं बता देती हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं, अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है तो आप जो नॉर्मल जो चाय पत्ती होता है
जो हम लोग चाय में बनाते हैं, आप वही चाय पत्ती आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। तो ये सब भी मैं बता दूं, जब भी आप शैम्पू करें आप शैम्पू के बाद इस टोनर को यूज कर सकते हैं। विद इन, मतलब मिनट तो बहुत दूर की बात है, विद इन सेकेंड आपके बाल में जैसे लिवॉन वगैरह जाते हैं और कैसे गुम हो जाते हैं ना, वैसे ही गुम हो जाने वाला है। लिवॉन वगैरह यूज करते हो ना मार्केट का, तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, लिवॉन अगर आप यूज करते हो, मैं एक बार लिवॉन मंगाई थी तकरीबन मैं 7 या 8 साल पहले की बात है। लिवॉन जब मैं यूज करती थी, आप सब मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप सबके भी साथ होता है कि नहीं, लिवॉन हो या कोई भी ब्रांड का जो आप सीरम लेते हो, जब आप लगाते हो ना तो नेक्स्ट डे आपके बाल है ना थोड़े स्टीकी हाँ। थोड़ा से ऑयली हो जाते हैं, मीन्स थोड़े से चिपचिपाहट तो हो ही जाता है आपके बाल में। लेकिन इस सीरम की खासियत है कि वो सब आप छोड़ दोगे और आप इसे यूज करोगे, मेड बाय छावी। चलिए, वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ 100% शेयर कीजिएगा, और भी अच्छा लग गया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय।